माई चैनल एंड आई एम बैक विद अनदर ब्लॉग। सो आज है मेरा डे 3 इन बनारस। सो मैं पहुंच गई हूँ अगेन गदौलिया मार्केट, एंड गदौलिया मार्केट से मैं जा रही हूँ काशी विश्वनाथ मंदिर को एक्सप्लोर करने। दो दिन से मैं यहाँ पे आ रही हूँ कंटिन्यू, बट आज फाइनली मैंने टाइम निकाला और मैं थोड़ा सा रेडी वेडी होके निकल गई हूँ आज, क्योंकि आज लास्ट डे है। आज मैं वापस इवनिंग में निकल जाऊंगी, बट यस मैं पहुंच गई हूँ। एंड उस मंदिर के अंदर में तो कैमरा तो क्या कुछ भी, एक पेन तक अलाउड नहीं है, बट फिलहाल अभी मैं बाहर से, बिकॉज मैं जब 2014 में आई थी तब वो मंदिर बहुत गली में थी, और अब जाके वो जो है पूरा उसका कॉरिडोर बन गया है, पूरा अमेजिंग सा बना है। तो हम अंदर चलते हैं, देखते हैं कहाँ तक ले जाने देता है और कितना कुछ हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। मेन एंट्रेंस गेट उधर है और वहाँ, बट जाने का रास्ता जो है वे टू टेम्पल जो है वो इधर से दिखाया गया है, जिसके रास्ते से हम अंदर जाएंगे। और आगे जाने के बाद कैमराज अलाउड नहीं है, तो हमें अपना कैमरा या फिर हमारे साथ जो भी चीजें हैं वो सब कुछ जो है लॉकर के अंदर में रखना होगा, फिर जाके हम मंदिर के अंदर में जाके दर्शन कर सकते हैं। गाइज हम टेम्पल के रास्ते से आगे आ गए हैं, एंड यहाँ पे जो जूते रखने का या फिर लॉकर हो गया या फिर आप पूजा के जो भी सामान चाहिए होते, प्रसाद फल फूल ये सब कुछ जो है वो यहाँ पे रखा जाता है। वो लोग बोलते हैं तो वो ना वो प्रसाद देते, उसमें चार्जेस ले लेते, बट यहाँ पे हम आगे आए हैं क्योंकि स्पेशली लॉकर रूम है, आपको थोड़ा आगे आना पड़ेगा। हम ढूंढ तो रहे थे कचौड़ी वाली गली कचौड़ी खाने के लिए, बट हमें मिल गया ब्लू लस्सी सॉस, जो कि मेरे दिमाग में जिस दिन से आई उस दिन से चल रहा था। एंड इसमें लिखा हुआ भी है आई डोंट हैव एनी ब्रांच, तो सिर्फ एक ही इनका लगता है और ये कचौड़ी गली में ही है। आप जैसे ही आइएगा तो मणिकर्णिका घाट का जो आपको बोर्ड दिखेगा उसी में बसाना है, ब्लू लस्सी सॉस का भी आपको बोर्ड दिखेगा उसी से बसाना है। और बहुत छोटे से जगह पे है, बट एक इंटरेस्टिंग चीज क्या लगी, यहाँ पे छोटे छोटे फोटोज लगे हुए, पासपोर्ट साइज फोटो। एंड जब मैंने इनसे पूछा कि ये फोटोज किसी है, तो वो लोग यहाँ विजिट करते हैं, वो अपने एक मेमोरीज के तौर पे यहाँ पे वो छोड़ के जाते हैं। जैसे कि सब चिपकाते हैं, मुझे भी एक बहुत पुरानी फोटो, इसमें आप मुझे पहचान भी नहीं पाओगे, वही वाली फोटो है, तो मैं सोच रही क्यों ना मैं भी चिपका दूं, ताकि कभी नेक्स्ट टाइम आऊं तो मैं इसको देख पाऊं। सो गाइज लस्सी आ गई है, एक लस्सी 120 की है, ये है मिक्स फ्रूट लस्सी और ये है केसर लस्सी। हमने ली है मिक्स फ्रूट लस्सी, तो मिक्स फ्रूट लस्सी में ना बहुत सारे फ्रूट्स एडेड है, तो थोड़ा सा यू नो उतना समझ में नहीं आ रहा लस्सी वाला टेस्ट, बट जो केसर वाला लस्सी है वो बहुत टेस्टी है। बट एक एक लस्सी खाने के बाद आपको पेट भर जाएगा। इस कचौड़ी वाली गली में कचौड़ी तो नहीं मिली, बट मेन रोड पे हम आए हैं तो यहाँ पे हमें कचौड़ी और चना, बनारसी कचौड़ी मिली है, जिसको ये छोटी छोटी कचौड़ी है और साथ में चना के साथ देते हैं, जैसे बिहार में लिट्टी चना मिलता ना वैसे। टेस्ट मस्त है, थोड़ा सा खट्टा वाला टेस्ट आ रहा है, आई डोंट नो, बट मजा आया, अच्छा है। तो गाइस जरूरी नहीं कि कचौड़ी वाली गली में ही आप कचौड़ी अच्छी मिलेगी, मैंने यहाँ पे जो बनारसी कचौड़ी ट्राई की ना वो लिटरली बहुत टेस्टी थी, और ऐसे गली में ना आपको हर साइड मिल जाएंगे तो आप ट्राई कर सकते हो। तो
मैंने तो वहाँ पे बोर्ड दिखाया था, वहाँ से खाया था। आप लोग और भी जगह का ट्राई कर सकते हैं। वैसे मतलब यहाँ पे ये सब चीज़ें जो है ना, कचौड़ी, लस्सी, ये सब हर जगह मिलेगा, बहुत कम दाम में और बहुत टेस्टी, हर जगह मिल जाएगा। भगवान के दर्शन भी हो गए और हमने पेट पूजा भी कर ली, लस्सी भी खाना था, लस्सी भी पी लिया, और कचौड़ी नहीं मिली तो हमने बनारसी कचौड़ी ट्राई की, वो भी अच्छा था। एंड यस, अब मैं इस गली को छोड़ के जा रही हूँ। अब पता नहीं कब फिर मौका मिलेगा बनारस आने का, जब आएंगे तो फिर दोबारा से इस गलियों में फिर से आएंगे। तो इस वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड, मिलते हैं ऐसे अमेजिंग ब्लॉग्स के साथ। चैनल पर पहली बार आया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आया देन डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर, एंड मिलती हूँ ऐसे ही नए नए एंड अमेजिंग ब्लॉग्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।